नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री तरुण कुमार भानोत ने जो बजट पेश किया है उसका आकार कम कर दिया गया है, यानी 2700 करोड़ रुपए का ये कम बजट है पिछले बजट की तुलना में। और इस बजट की सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से जागती हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी इस बजट में दिखाई देती हैं। और उन तमाम उम्मीदों पर, उन तमाम चुनौतियों के बीच में मध्य प्रदेश का आम आदमी अपने लिए कहीं राहत तलाश रहा है, अपने लिए कहीं सुकून तलाश रहा है। हालांकि जो आर्थिक सर्वे आया है मध्य प्रदेश का, वो बहुत निराशाजनक तस्वीर पेश करता है और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोलता है जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन ये आर्थिक सर्वे बताता है कि 29 राज्यों में गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का 27वां स्थान है। और देश में जब प्रति व्यक्ति आय 1,26,699 रुपए की है, तब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 90,000 और कुछ रुपए की है, यानी 25,000 रुपए की कमी हमको राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। गरीबी के मामले में हम 29वें राज्यों में से 27वें स्थान पर हैं। शिक्षा के मामलों में हम 29 राज्यों में से 23वें स्थान पर हैं। और किसानों को जो फसल की मूल्य वृद्धि में जो वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर 3.6% की हुई है, वो हमारे यहाँ 1% के आसपास की है। तो आर्थिक सर्वे बताता है कि शिवराज सरकार ने 15 साल में मध्य प्रदेश में खाली खजाना छोड़ा है और वो बहुत बड़ी चुनौती है कमलनाथ सरकार के सामने। तो क्या चुनौतियां हैं, क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के दो लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर गणेश कावड़िया, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। दोनों बहुत जाने माने चेहरे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, अनेक लेख पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और बहुत सारे रिसर्च काम मध्य प्रदेश में और देश में आप दोनों के नेतृत्व में हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर कावड़िया जी, सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के सामने, खजाना खाली, कोई नया कर नहीं, बहुत सारी उम्मीदें जगाता है ये बजट, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मेट्रो ट्रेन है, कर्जा माफी करना है, बिजली का बिल हाफ करना है, बहुत सारी उम्मीदें जगाने वाला है बजट, लेकिन खजाने के नाम पर ठनठन गोपाल, बताइए कैसे होगा? देखिए, ये कर नहीं लगाया है और आपको ये पता होना चाहिए कि जब से GST बना है तो कर लगाने का काम GST काउंसिल के पास है। अब राज्य सरकारों के बजट में करों की कोई ज़्यादा प्रोविजन नहीं होंगे। पेट्रोल और डीजल पे कर लगा सकते थे तो वो सरकार ने पहले ही लगा दिया है। बेसिक बात उन्होंने ये महसूस की है कि जो कुछ जितने भी पॉपुलर स्कीम्स हैं, जो कल्याण की स्कीम्स हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, केवल उनके इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करेंगे सो रिजल्ट आए, गरीबी में रिजल्ट आए, शिक्षा में रिजल्ट आए, SC ST के लिए रिजल्ट आए। तो पूरा का पूरा फोकस आज के बजट को आप देखें तो रिसोर्स मैनेजमेंट का है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का है, कुछ नए प्रोग्राम नहीं दिए, लेकिन इनके क्रियान्वयन में उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि हम क्रियान्वयन के माध्यम से ऐसी मितव्यता लाएंगे कि जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का वित्त पोषण करेंगे और प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे। आपने बहुत सही कहा कि आर्थिक विकास में बहुत चिंताजनक बात है और आपने देखा होगा एक वीक पहले केंद्रीय वित्त आयोग जब भोपाल आया और वित्त आयोग ने दो बातें बड़ी मुद्दे की पूछी और कहा कि मध्य प्रदेश लगातार पिछले 5 सालों में कृषि विकास में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो कृषि विकास प्रति व्यक्ति आय पर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं? कृषि कर्मण अवार्ड हमें 5 बार मिले, हाँ लगातार 5 बार, एक भी बार मिस, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हमारी देश में, देश की तुलना में 25,000 लगभग 25,000 कम है, 30% कम है, 30% कम है। तो उनका पहला ये प्रश्न था कि ये इम्पैक्ट पर कैपिटा इनकम में क्यों नहीं दिखा, और दूसरी बात ये थी कि इतना कृषि के उत्पादन के बावजूद भी गरीबी में आपका सुधार क्यों नहीं हुआ, शिक्षा में आपका सुधार क्यों नहीं हुआ, कुपोषण में आपका सुधार नहीं हुआ। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स थी और ये कुचक्र बन गया मध्य प्रदेश के लिए। अभी आप देखें यूनिसेफ ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए टारगेट दिया है कि हर राज्य अपनी योजना इस तरह से करे कि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 2030 तक अचीव कर लिए जाए। अब ये अचीव करने का मतलब क्या है कि जितने भी राज्य सरकार के संसाधन हैं उनको कहाँ डाइवर्ट करना पड़ रहा है, सामाजिक विकास में करना पड़ रहा है, आर्थिक विकास में वो और पीछे, मतलब गरीब राज्य
संसाधन कम, और संसाधन कम में सरकार के ऊपर दबाव है कि वो सामाजिक क्षेत्र में काम करें, इसका मतलब आर्थिक विकास में जन कल्याणकारी राज्य बनाने के चक्कर में जो है वो आर्थिक क्षेत्र में हम पिटते जा रहे हैं, डॉक्टर गणेश कावड़िया का कहना है। लेकिन जतिनलाल जी भंडारी, मेरा सवाल, मूल सवाल अभी फिर भी कायम है, मैं और स्पष्ट स्पष्ट जवाब आपसे चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार जब आने वाली थी तब उन्होंने घोषणा किया था कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे, ये सबसे बड़ा उनका टारगेट भी है कमलनाथ सरकार का। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हर प्लेटफॉर्म पर इसको प्रमुखता से बता चुके हैं कि वो किसानों का कर्जा माफ करना चाहते हैं। अब तक 38,000 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने माफ भी कर दिया है, और भी बहुत सारा कर्जा माफ करना, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना है। सर कह रहे हैं कि GST के पास अधिकार है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कर अक्सर राज्य सरकारें लगाती हैं, अपनी आय बढ़ाने की तौर तरीके ढूंढती हैं। इस सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है, 38,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफ कर दिया है, बैंकों से समझौता नहीं हुआ है, बैंकों को ये पैसा देना बाकी है, और इसके अलावा बाकी का और 12-13 करोड़ का कर्जा, 1,000 करोड़ का कर्जा और माफ करना है, ये सब कैसे हो पाएगा? बहुत बड़ी चुनौती है ये। वास्तव में यदि हम मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को देखें तो पहली तस्वीर की बात ये उभर के दिखाई देती है कि वित्तीय चुनौतियां और साथ में 1.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश सरकार पर, उन चुनौतियों के बीच में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और सबसे खास बात ये कि सरकार ने चूंकि कोई नया कर नहीं लगाया है तो वित्तीय संसाधन ऐसे भी सीमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयास किया गया है, बजट की तस्वीर ये बताती है कि सरकार के पास में जो संसाधन हैं उन संसाधनों में भी 2,700 करोड़ रुपए की और कमी कर दी गई है पिछले बजट की तुलना में। और इन संसाधनों से जो ये तस्वीर बनाई गई है उसमें पहली बात जो उभर के दिखाई देती है कि इस बजट के माध्यम से किसानों को और ग्रामीण वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है। और जितनी भी योजनाएँ बनी हैं ग्रामीण और किसानों के कल्याण की, वे सबसे फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात जो इस बजट की दिखाई दे रही है वो छोटे और कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया गया है, और एक नया प्रोजेक्ट इस बजट के माध्यम से लाया गया है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के जो नमकीन और मिठाइयां हैं उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। इंदौर का जो पोहा और जलेबी प्रसिद्ध है वो पूरी दुनिया में जाएगा, सेव मिक्सचर और चिवड़ा जो पूरी दुनिया में ऐसे भी जाते हैं ब्रांडिंग के बाद जाएंगे। भिंड का पेड़ा है, मुरैना की गजक है, गुना की सोन पपड़ी है, ये सारी इसकी ब्रांडिंग की जाने वाली है। तो ये जो ब्रांडिंग होगी इसके माध्यम से मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट बढ़ाए जाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये भी इस बजट में घोषित किया गया है कि 18 और 19 अक्टूबर को इंदौर में विदेशी निवेशकों के लिए अलग से कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उसमें फोकस होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वस्तुएं बनती हैं वे दुनिया के अंदर जाएं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और विदेशी निवेश भी उससे आकर्षित हो, ये दोनों उद्देश्य रखे गए। तीसरी बड़ी बात जो इस बजट के माध्यम से आती है कि इसमें फूड प्रोसेसिंग को बहुत हाईलाइट किया गया है कि मध्य प्रदेश जो कृषि उत्पादन में देश में पहले क्रम पर है, अब वो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उत्पादन भी बढ़ाए और दुनिया के दूसरे देशों के अंदर हमारे फूड प्रोसेसिंग का निर्यात भी हो। तो ये चमकते हुए बिंदु हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए इसमें कौशल विकास की भी बात कही गई है, और साथ में नए सरकारी कॉलेजों के खोलने की बात कही गई है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा है उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र प्रदेश के छूटे हुए हैं जहाँ से उच्च शिक्षा के लिए छात्र आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है कि सीमित संसाधनों से वित्त मंत्री ने यह प्रयास किया है कि जो जो वे जरूरतें, वे वादे जो चुनाव के समय किए गए थे, कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं को छोटे छोटे मत दे दिए गए हैं, छोटी छोटी राशियां दे दी गई हैं, और उनके माध्यम से सभी को कुछ ना कुछ खुशियां देने का इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया। सवाल ये है सर कि जो खुशियां देने का प्रयास किया गया है वो क्या उसको सरकार अमली जामा पहना पाएगी? गणेश कावड़िया जी, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा उम्मीदें बहुत जगाता है ये बजट। देखिए, एक बात अगर आप देखें, GST का स्वरूप देखें तो GST में जो कर का ढांचा उत्पादन से उपभोग पर आया, और मध्य प्रदेश में चूंकि कंज्यूमर बेस बहुत अधिक है तो मध्य प्रदेश की झोली उससे बढ़नी है। GST से टोटल जो शेयर मिलेगा स्टेट को वो ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात, आंकड़े अभी कुछ बताया नहीं गया कि क्या शेयर मिलेगा, कितना डेफिसिट बजट है, जितना
जितना जो टैक्स कलेक्शन है जीएसटी में 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, और इसके अलावा जीएसटी में ये गारंटी है कि कम से कम 14% टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो 14% नहीं बढ़ेगा तो केंद्र सरकार में तो अभी हालत ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन में गिरावट आई है। पिछली बार जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन 1206 करोड़ रुपए गिरावट की। कितनी भी गिरावट आओ, जब जीएसटी लागू किया गया है तो राज्य सरकारों को ये गारंटी दी गई थी कि जितना टैक्स कलेक्शन आपका है उसमें 14% बढ़ोतरी के साथ जितना डेफिसिट होगा केंद्र सरकार देगी। तो रेवेन्यू में और जीएसटी का मॉडल ऐसा है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बेस नहीं था, कंजम्पशन बेस है, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को बेनिफिट मिलेगा। तो एक बात तो ये, दूसरा अगर आप मध्य प्रदेश के वित्त देखें तो सन 2012-13 से लगाकर 16-17 तक मध्य प्रदेश बहुत डिसिप्लिन फिनांस वाला रहा, उसका रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस था, जो फिजिकल डेफिसिट था वो भी जितनी लिमिट थी उससे कम था। बस पिछले साल जो चुनाव के कारण जो मध्य प्रदेश की वित्त की गणित बगड़ी और शिवराज सरकार ने जो कर्जा लेकर घी पीना शुरू किया, तो वो कर्जा लेने की परंपरा अब तक जारी है। कमलनाथ की सरकार आने के बाद भी लगभग 4000 करोड़ रुपए कर्जा लिया जा चुका है। ज्यादा 10000 करोड़ की जो संबल योजना उन्होंने लागू की थी, और उसके कारण बाकी जितने भी विभागों का जो फिनांस था उसको डाइवर्ट कर दिया केवल पॉपुलर स्कीम को फिनांस करने के लिए। उसका नतीजा हुआ कि लोगों को ये उम्मीद थी कि वोट और पॉपुलर प्रोग्राम के बीच में कोई अनुपात है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय कर लिया कि विकास और वोट के बीच में संबंध है। कार्यक्रम कावड़े जी, बहुत सीधा सवाल हो, बहुत सीधा जवाब चाहूंगा, क्या साफ तौर पर यह माना जाए कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर छोड़ गए, पटरी से बेपटरी कर गए, उसका कबाड़ा कर गए? नहीं, कबाड़ा कर गए तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी समझ नहीं पाए मध्य प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट थी कि एग्रीकल्चर के अलावा औद्योगिक विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, और अगर हमने गरीबी और शिक्षा पर अटैक नहीं किया तो ये विकास सस्टेनेबल नहीं होगा। बहुत अच्छा, इस बार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया भनोत साहब ने, आपने देखा हो तो, वाटर रीहार्वेस्टिंग और राइट टू वाटर, ये केंद्र में भी मोदी जी कह रहे हैं। राइट टू वाटर की बात नहीं थी, इन्होंने कहा कि हम ये एश्योर क्यों, इस बार गर्मी में मध्य प्रदेश के गांव में पानी का इतना संकट था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा हम राइट टू वाटर, अभी तक राइट टू फूड था, राइट टू वर्क था, राइट टू एजुकेशन थी, और राइट टू वाटर और राइट टू वाटर के साथ राइट टू हेल्थ की बात की गई है, दोनों बातें जुड़ी हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और, पानी जब तक आप बारिश के पानी को बचा के नहीं रखोगे, हार्वेस्टिंग नहीं करोगे, आप राइट टू वाटर नहीं दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन पानी तो होगा तब तो राइट दोगे, कैसे दोगे? 110 लीटर पानी हम जमीन के अंदर डालते हैं और 157 लीटर पानी हम जमीन में से साल भर के अंदर खींच लेते हैं। और कभी थोड़ा सा मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करो, मध्य प्रदेश पर जितने भी बड़े बांध बने हैं वो दो राज्यों की सीमाओं पर बने हैं, तो मध्य प्रदेश का पानी एक्सपोर्ट हो रहा है राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को। अब मध्य प्रदेश को इस बात को एहसास हुआ और 40 नदियों को पुनर्जीवित करने की बात कही है, इसका मतलब मध्य प्रदेश के रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, और वही विकास का सच्चा तरीका है, नहीं तो आप विकास नहीं कर सकेंगे। तो इन दो बातों पर, और तीसरी बात जो आपने कहा कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से रोजगार आएगा, इस बार उन्होंने टूरिज्म को बहुत बड़ा फोकस किया और मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए इतना कंफर्टेबल है। आप नर्मदा का पूरा किनारा ले लीजिए, अभी तो उसको केवल नर्मदा रिवर फ्रंट लाइन बनाने की बात हो रही है, वो जबलपुर की, मैं तो कह रहा हूँ पूरी नर्मदा रिवर फ्रंट लाइन बनना चाहिए। यही एक ऐसी नदी है जो बिल्कुल पहाड़ों जंगलों के बीच में निकली है, नेचुरल हेल्थ के लिए, नेचुरल टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है। नर्मदा का पानी भारत की नदियों में पवित्र तो है ही, लेकिन सबसे स्वस्थ पानी माना गया है, सबसे प्रदूषण मुक्त पानी माना गया है। किसी इंडस्ट्री की ताकत नहीं हुई कि वो इतनी पहाड़ों में जाकर उसको पोल्यूट करे। डॉक्टर भंडारी, बहुत बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कैसा मिलेगा। एक कानून बनाने की बात कमलनाथ सरकार ने इस बजट में की है कि हम कानून बनाएंगे, और उसमें इस तरह का कानून बनाएंगे कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को जो भी उद्योग धंधे बाहर से आए या मध्य प्रदेश के लोग खोलें, उसमें 70% रोजगार मध्य प्रदेश के नौजवानों को देना पड़ेगा। हालांकि इसकी अपनी कानूनी सीमाएं, बाध्यताएं हैं, अड़चने हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी एक फैसला दिया है जिसके कारण हमको पीएससी में बाहर के राज्यों के युवाओं की उम्र को बढ़ाकर 35 वर्ष करना पड़ा 27 से। तो क्या कानून बनाकर रोजगार दिया जा सकता है?
अर्थशास्त्र के नाते जानना चाहूंगा इस सवाल को। यद्यपि इस बजट में भी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की वो बात आई है कि निजी क्षेत्र के अंदर 70% जो रोजगार होगा वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। ये एक तथ्यात्मक बात हो सकती है, लेकिन यदि हम व्यावहारिक रूप में देखें तो ऐसा संभव नहीं होगा। निजी क्षेत्र के अंदर भी जो लोग आएंगे वे अपनी योग्यता और काबिलियत पे आएंगे, और ये ज़माना स्किल डेवलपमेंट का है। तो जब तक मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की इतनी अहमियत न हो जाए, इतना आगे न बढ़ पाए कि मध्य प्रदेश के जितने उद्योग और कारोबार हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से रोज़गार मिले, तभी ऐसे जो लोग हैं जो 70% हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में लिए जाएंगे, तभी संभव होगा। अन्यथा कोई भी उद्योग कारोबार चलाना कोई सरल काम नहीं होता है। तो कौशल विकसित और कौशल प्रशिक्षित युवा होंगे तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार बढ़ेगा, ये भी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या ही कह सकते हैं, क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि ये एक न्यायालय का निर्णय है कि जो भी गेजेटेड पोस्ट होती हैं और जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा जो पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए उम्र के अंदर कोई अलग से भेद नहीं किया जा सकता। वही उम्र जो मध्य प्रदेश के युवाओं का है वही बाहर के युवाओं की, तो एक ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से सरकार ने इसमें कौशल विकास की बात कही, सरकार ने एक रास्ता निकाला सर, इसमें रास्ता निकाला कि सरकार ने रास्ता ये निकाला है कि वो मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जिसका पंजीयन होगा वो एक अनिवार्यता की जा रही है। तो बाहर के आदमी का पंजीयन नहीं हो पाएगा तो वो शायद परीक्षा ही नहीं दे पाएगा, इस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। ये रास्ता इस तरह होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में जिनका पंजीयन है उनकी उम्र सीमा 40 वर्ष तक की जा सकेगी इसके माध्यम से, लेकिन बाहर के लोग मध्य प्रदेश राज्य सेवा में नहीं बैठेंगे। ये संभव नहीं हो कि देश के सभी राज्यों के अंदर दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट होते हैं वो बैठते हैं। यहाँ पे मैं जो एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो युवा स्वरोजगार योजना है, स्वाभिमान योजना के रूप में इस बजट में प्रस्तुत की गई है, उसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका होगा, और ये कौशल प्रशिक्षण के बाद में उनके पास में रोजगार के ज़्यादा अवसर होंगे। नौकरियां तो न पिछले समय बढ़ी हैं न अब बढ़ सकेंगी, लेकिन स्वरोजगार की तरफ मध्य प्रदेश के युवा इस बजट के माध्यम से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। भंडारी जी, एक सवाल मेरा और, क्योंकि 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और वो सरकार जिस मुद्दे पे गई वो मुद्दा था बिजली, पानी और सड़क। पानी की बात हमने कर ली, कांवड़िया से आप बता रहे हैं कि 40 नदियों को पुनर्जीवन किया जाएगा, राइट टू वाटर दे दिया गया। सरकार के दिमाग में 2003 है कहीं ना कहीं, हर कांग्रेस के दिमाग में 2003 रहता है। बिजली की बात मैं अगर आपसे करूँ तो बिजली कंपनियाँ लगातार घाटे में जा रही हैं। जो बिजली का बिल 200 रुपये का शिवराज सिंह सरकार कर गए थे, और जिसने सर ने अभी फिर कहा कि उसने बहुत अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया था उस योजना ने, कमलनाथ जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया, उन्होंने बिजली का बिल 100 रुपये कर दिया, बिजली का बिल हाफ वाला मामला कर दिया। और कमलनाथ जी खुद ये कह चुके हैं कि बिजली के कारण सरकार की बहुत बदनामी हुई लोकसभा चुनाव, हम हारे ही बिजली के कारण, क्योंकि बिजली बहुत आती जाती रही, लाइन लॉस बहुत है, बिजली बहुत बड़ी चुनौती है, घाटे में जा रही कंपनियाँ, कोयला महंगा हो रहा है, कोयले की कमी है, बरसात में बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण ये है कि 23% की कमी आने वाली है, बिजली हम कैसे पैदा करेंगे, बहुत महंगी बिजली हमने ओवरऑल खरीद रखी है, जब हमको ज़रूरत नहीं होती तब भी हमको बिजली का बिल चुकाना पड़ता है, शिवराज सरकार के ज़माने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और पैसा नहीं है। ये आप दोनों बड़े अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि सरकार के खजाना बहुत खाली है, कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ये बिजली को हम कैसे संभाल पाएंगे? निश्चित रूप से ये दोनों जो मुद्दे हैं, बिजली की उपलब्धता और सड़कों का अच्छा होना, इन दोनों के ऊपर मध्य प्रदेश के विकास की कहानी निर्भर करती है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, तो मध्य प्रदेश की जो बिजली कंपनियाँ हैं वो बुरी तरह से घाटे में हैं, और उनका घाटा इतना बढ़ चुका है कि बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती कि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से समय पर बिजली दी जा सके। तो इसके लिए सरकार को बहुत अधिक लागत भी आएगी, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास में होगी कि आमदनी कम होगी और खर्चे तेज़ी से बढ़ते जाएंगे।
वैसे ही दूसरी जो बड़ी बात है कि जो सड़कें किसी प्रदेश की और किसी देश की जीवन रेखा होती है, उन सड़कों की स्थिति अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, खासकर से 3000 किलोमीटर सड़कें खराब है सर 3000 किलोमीटर सड़कें खराब हैं, पूरी बरसात में ये और खराब होंगी। और केवल पेच वर्क, मैं नई सड़क बनाने की बात नहीं कर रहा, नए पुल पुलिया बनाने की बात नहीं कर रहा, केवल पेच वर्क के लिए 10,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। देखिए मतलब थोड़ा आप सड़क का देखें तो मध्य प्रदेश ने पिछले 5 सालों में जो सड़क विकास का काम किया है, आज इसकी सड़कें कई सारे राज्यों से बेहतर हैं। और इसमें केवल यहाँ का नहीं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और जो डीजल पर सेस अभी भी लगाया है वो पूरा का पूरा रोड एक्सपांशन के अंदर है। तो एक बात तो ये, और बिजली में जो आप कह रहे हो, देखिए इस बार के अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो बिजली में मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, फाइनेंस से भी ज़्यादा। और इस बार भी उन्होंने जो इलेक्ट्रिक लॉस 30% था उसको कम करके 20% लाया है एफिशिएंसी। और तीसरी बात देखें कि मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का जो एक्सपांशन हुआ है और सोलर के माध्यम से ग्रिड में जो बिजली ट्रांसफ़र करने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो अगर ये सब सक्सेस हो जाएगा तो हमारी बिजली की कॉस्ट वैसे ही कम हो जाएगी। और जो एलईडी योजना है, उस एलईडी योजना ने हमारे कंजम्पशन लेवल को बहुत कम कर दिया है। तो दोनों तरफ से सरकार काम कर रही है, प्रोडक्शन लेवल पे भी काम कर रही है और कंजम्पशन लेवल पे भी, कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि बिजली का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाए। और ये पक्का है कि आर्थिक विकास के लिए बिजली का कंजम्पशन, जो जो हम ग्रो करेंगे बिजली चाहिएगी, बिना बिजली के गुजारा नहीं होगा। और सरकार तो अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतना कंसेशन दे रही है, तो इसका मतलब हम किसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं और बिजली के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये कि एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बढ़ानी चाहिए और सोलर एनर्जी पे जितना ज़्यादा शिफ्ट हो सके। ये आप एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें गाँवों के अंदर की जो बिजली चोरी होती है और लोग जिस तरह से, हम अगर शहर में बात करें तो जो बस्तियां हैं हमारी, उन बस्तियों में जिस तरह से बिजली चोरी होती है, गांव के गांव बिजली का बिल नहीं भरते हैं, वसूली करने के लिए अधिकार नहीं है बिजली विभाग के अधिकारियों की, वसूली कर लो तो पॉलिटिकल चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो उस हालत में बिजली एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। कांवड़िया जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब हर सरकारों ने ये समझ लिया है कि अगर हम ये इनको पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे और वोटर्स के हिसाब से करेंगे तो बाकी चीज़ों में फेल हो जाएंगे। तो इस बार के चुनाव में अगर आपने देखा हो, बिजली का बिल ऑफ कर दिया था, 200 को भी 100 कर दिया, मतलब आपने कोड़ियों के दाम पे बिजली दी है पॉलिटिकल मुद्दे के कारण ही, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिल पाया ना, ये तो देखा ना, तो थोड़ा बदलाव आया। अब ये पहले ये अनुमान था कि जितनी पॉपुलर स्कीम उतने ज़्यादा वोट, लेकिन इस चुनाव में ये फेल हो गया कि शिवराज सिंह सरकार ने भी पॉपुलर बजट देने में कोई कमी नहीं रखी, पॉपुलर फिर भी हार गए। और कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, फिर भी लोकसभा चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आए। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी ये एहसास करने लगी है कि असली मुद्दा विकास का है, असली मुद्दा क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। अगर हमने लोगों की जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया तो ये कितने भी पॉपुलर कार्यक्रम लगा लें, इनसे गुजारा नहीं होगा। भंडारी जी, मेट्रो रेल का बहुत शोर हो रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर में मेट्रो रेल आनी है, भोपाल में मेट्रो रेल आनी है, 6,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को खर्च करने हैं, उसकी वायबिलिटी मेट्रो रेल की है या नहीं, एक बड़ा बहस का मुद्दा है। खासकर इंदौर में मेट्रो रेल की ज़रूरत है या नहीं, ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन लाना है, मेट्रो रेल लाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। हम BRTS को भुगत रहे हैं, पता नहीं मेट्रो रेल को कैसे इंदौर शहर क्या उसका अंदाज होगा। लेकिन मैं अर्थशास्त्रियों के साथ बैठा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा बजट मैनेज कैसे होगा। स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार का पैसा आ गया, राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे पा रहा है, स्मार्ट सिटियों का काम रुका हुआ है। इंदौर में आप देखिए सारे काम स्मार्ट सिटी के या तो डिले चल रहे हैं या रुके पड़े हैं। तो मेट्रो रेल के लिए इतना पैसा कैसे, हम कहाँ से जुटाएंगे संसाधन, फिर कर्जा लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से या वर्ल्ड बैंक से। वास्तव में मेट्रो रेल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग चाहिएगा और राज्य सरकार को भी पूरी ताकत के साथ इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे, और दोनों के सहयोग से ही ये चलेगा। ये एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है इसकी कि केंद्र सरकार का भी बराबर सहयोग हो और राज्य सरकार भी उसी तरह से तैयार हो, अन्यथा ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना बहुत मुश्किल का होगा। और स्मार्ट सिटीज़ की जो बात आ रही है,
उसके अंदर भी मुश्किलें आ रही हैं। तो ये जो बड़े सपने हैं इनको पूरा करने के लिए दोनों सरकारों को एक एक कदम साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये पूरे हो पाएंगे। इसको इस एंगल से देखिए कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बिना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के सर्व नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेट्रो प्रोजेक्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देखना चाहिए कि इंदौर की डेंसिटी ऑफ व्हीकल इतनी अधिक हो गई है कि अगर उसको कम करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, BRTS केवल एक कदम है। क्यों सक्सेस नहीं हुआ है? क्योंकि पूरे इंदौर में नहीं फैला, इसकी कनेक्टिविटी नहीं आई। अगर पूरे इंदौर में इसकी कनेक्टिविटी आ जाए तो निश्चित रूप से, लेकिन ये भी सरफेस पे है, रोडें कम हैं, हम रोडें बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना पड़ेगा या ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर जाना पड़ेगा। और मेट्रो को इस एंगल से देखना चाहिए। और जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, सरकार ने एक नया आयाम खोला है कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें। आप देखिए इंदौर भोपाल के बीच में अटल बिसेज की फिर से एक एक्सप्रेस बनाने की बात कही है, आज इस बजट में भी की गई, इंदौर भोपाल के बीच में एक एक्सप्रेस बनाया जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, टाइम कहाँ से लाएंगे? तो हर व्यक्ति है, आप देखिए अटल बसेज में डेढ़ा किराया प्राइवेट की तुलना में, लेकिन फिर भी हर बस भरी हुई जाती है। क्यों जा रही है? कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आने वाले 10 साल की आवश्यकता, आज की आवश्यकता नहीं है। मेट्रो को है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस हाईवे को आप 5 साल बाद की स्थिति में देखें तो शायद इनको जस्टिफाई कर पाएंगे। बनारी जी, शुरू से जब देश आज़ाद हुआ तब से एक बात कही हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कि इस देश के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, और इस देश के हर आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अच्छा उपचार, अच्छे अस्पताल और मुफ्त में दवाइयाँ। ये हमारा उद्देश्य भी था, हमारा सपना भी था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। स्थिति वहवा से भयानक हो गई, बद से बदतर हो गई। आज हमारा पूरा स्वास्थ्य सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और हम प्राइवेट अस्पतालों पे शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग इसलिए गरीब हो गए कि वो अपना उपचार करा गए, ये भी एक आंकड़े है। और शिक्षा का स्तर ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। हम इसमें पूरी तरह से 1000% फेल हैं इस मामले में, दोनों मामले में। अब ये कहा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन तो था ही, अब ये कहा गया मध्य प्रदेश में कि राइट टू हेल्थ लाएंगे। क्या ये भयावह स्थिति, ये बदतर स्थिति में कोई सुधार आएगा? निश्चित रूप से जब ऐसे मिशन चलते हैं तो ऐसे मिशन का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा के लिए गुणवत्ता के ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है हमारे देश में और हमारे प्रदेश में। चाहे हायर एजुकेशन को लें, चाहे हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स को लें, प्राइमरी एजुकेशन को लें, कहीं भी शैक्षणिक गुणवत्ता मूल्यांकन के कारण नहीं दिखाई दे रही। तो ये गुणवत्ता जब तक नहीं आएगी, शिक्षण इनका मूल्यांकन नहीं होगा शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिजल्ट बिगड़ते हैं, बातें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता गुणवत्ता के लिए। तो ये गुणवत्ता, हेल्थ के लिए भी गुणवत्ता ज़रूरी है। सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बात होती है, लेकिन वहाँ पर ये गुणवत्ता के लिए कोई मूल्यांकन नहीं होता, वैसे कोई अथॉरिटी नहीं होती जो कि वास्तव में उसको कार्यान्वित करा ले। तो ये दोनों जगह गुणवत्ता सामने दिखे, इसके लिए मूल्यांकन हो, और मूल्यांकन के लिए इस तरह की एजेंसियां प्रभावी रूप से काम करें, तो ही ये दोनों मिशन संभव हो सकेंगे। इसमें आप देखिए ना कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ। देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट कम हो रहा है, तो सरकार ने ये कोशिश की कि राइट टू एजुकेशन में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें भी गरीब लड़कों के रिजर्वेशन की बात की जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ता खुला। और सरकार सरकार ने मान लिया कि हमारे स्कूल घटिया है, हम उसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम और ऐसा ही सरकार ने मान लिया है कि हर व्यक्ति तक हेल्थ पहुँचाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने आयुष्मान योजना या एक ऐसी योजना निकाली कि भाई हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, आप जहाँ चाहें, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए ये हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाकर इलाज करें और इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और मध्य प्रदेश एक आयुष्मान योजना केंद्र की है और एक आयुष्मान योजना मध्य प्रदेश की आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना स्केटर्ड है
छोटे छोटे गांव हैं वहां तक एजुकेशन और हेल्थ को पहुंचाना और वो भी क्वालिटी एजुकेशन बहुत चुनौती वाला काम है। और सरकार अब इस दिशा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है पूरी दुनिया के लिए, उसमें मध्य प्रदेश को बहुत बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कुपोषण, 52% महिलाएं कुपोषित है, 52, कैन यू इमेजिन। और हमारे बच्चे अकेले श्योपुर के अंदर, कम से कम मैं समझता हूँ कि हजारों बच्चे श्योपुर में, हजारों में बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, अकेले श्योपुर जिले में मर जाते हैं। सिक्योरिटी एक्ट आ जाए, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार आ जाए, फिर भी हम कुपोषण, मिड डे मील आ जाए तब भी हम कुपोषण से, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम शिशु मृत्यु दर में और महिला मृत्यु दर में, जो नवजात जन्म देती है बच्चों को, उस मृत्यु दर में हम देश में अव्वल हैं। बहुत, तो इसलिए अब प्रश्न ये है कि इन सब योजनाएं जो केंद्र सरकार की हम लागू करते हैं और मध्य प्रदेश में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार को हमारी रिसर्च के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इतना खाद्यान्न है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बावजूद भी कुपोषण है, तो इसका मतलब हमारी समस्या ऊपरी तौर की नहीं है, कुछ गहराई से समझना पड़ेगा। और इस दिशा में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हालांकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी और खोल दी है। पहले की यूनिवर्सिटियां अपनी ठीक। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से हमेशा होता है, हर कार्यक्रम में मैं आपसे सवाल जरूर करता हूँ कि इस बजट को आप कितने नंबर देंगे। दोनों आप बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर्स रहे हैं, तो ये बजट अगर 100 नंबर का आप मान लें तो आप कितना नंबर भनोत साहब को देना चाहेंगे? मतलब जो स्कीम्स हैं उसके बेसिस पे तो निश्चित रूप से 7 नंबर मिलने चाहिए, पर वो बजट के 70% आंकड़े देखेंगे तो पता लगेगा कि कितना फिस्कल डेफिसिट है, उसके बेसिस पे अगर ये फिस्कल डेफिसिट बहुत अधिक है तो आंकड़े छुपा लिए जाते हैं आजकल। बजट का भी एक खूबसूरती ये है, चाहे केंद्र सरकार बजट पेश करे चाहे राज्य सरकार, आंकड़े छुपा लेती है, शायद वो मीडिया से डर जाती है कि उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाए। 70% भंडारी साहब कावड़िया जी ने दिए, भंडारी साहब आपका आकलन क्या है? वास्तव में इस बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जितनी योजनाएं बनाई हैं वे योजनाएं सही रूप से कार्यान्वित हों, एक बात। दूसरी बात ये कि वित्तीय नियंत्रण हो और राजकोषीय जो घाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है उसके ऊपर नियंत्रण हो, यदि ये दोनों बातें कर ली जाए तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों योजनाओं के साथ में जिसकी संभावना वित्त मंत्री ने बताई है तो इस बजट को 10 में से 6 नंबर जरूर दिए जाए। 60% फर्स्ट क्लास में बजट पास हो रहा है, कावड़ी जी 70 और भंडारी जी 60% वोट दे रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।